हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को मटेरियल साइंस का पार्ट नंबर 3 यानी कि नेक्स्ट वीडियो हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे आप लोगों को कुछ जो है साइंस के कुछ पार्ट, आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। टॉपिक आज का मेरा है सोल्डरिंग एवं ब्रिंजिंग। सोल्डरिंग एंड ब्रिंजिंग क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा डिटेल से बताएंगे। तो आप लोग ये जो है हम जितने पार्ट लिखाए हैं वो पार्ट के बारे में हम सब बताएंगे, डिफिनेशन और ये कहाँ उपयोग होता है उसके बारे में बताएंगे। इसलिए आप लोग क्या काम करिए कि इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, सोल्डरिंग एवं ब्रिंजिंग का। ओके फ्रेंड, तो आइए स्टार्ट हम करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है हम पहले जान लेते हैं सोल्डरिंग एवं ब्रिंजिंग, यानी पहले नंबर जान लेते हैं सोल्डरिंग क्या होता है। क्या सोल्डरिंग क्या होता है? एक्चुअली जो सोल्डरिंग होता है, सोल्डरिंग में अलग अलग धातुओं को जोड़ा जाता है। जैसे आपका कोई अलग अलग दो टुकड़ों का आपस में जोड़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, सोल्डरिंग में अलग अलग धातुओं को जोड़ा जाता है, इसे कच्चा टाका भी कहते हैं, यानी कि कच्चा भी टाका भी इसे कहते हैं। यह सोल्डरों के साथ सामान्यतः जिंक क्लोराइड गालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार के सोल्डरिंग में मृदु सोल्डर काम किया जाता है। कौन सोल्डर काम किया? मृदु सोल्डर का काम किया जाता है। यह टिन तथा शीशे की मिश्र धातु होते हैं जिसे सोल्डर का गलनांक बिंदु लगभग 300 सेंटीग्रेड तक होता है। सोल्डर का जो होता है सोल्डरिंग का गलनांक कितना रहता है? उसका गलनांक रहता है 300, गलनांक 300 सेंटीग्रेड तक रहता है सोल्डरिंग का गलनांक। ठीक, जो हमारा सोल्डर होता है उसकी गलनांक हमारा 300 सेंटीग्रेड रहता है। करते हैं अब जान लेते हैं ब्रिंजिंग क्या होता है। अभी आप लोगों को सोल्डरिंग बताएं, अब ब्रिंजिंग समझ लेते हैं क्या होता है। ब्रिंजिंग वह एक ऐसा धातु है या सोल्डरिंग या जो है कि ब्रिंजिंग में एक ही धातु के टुकड़े को जोड़ा जाता है, इसे हम पक्का टाका कहते हैं, जिसे सामान्यतः पीतल की छाल के नाम से भी जाना जाता है, जिससे कि ब्रिंजिंग में तांबे तथा जस्ते की मिश्र धातु को उपयोग ली जाती है। वैसे इसमें जो है इसका जो होता है उसमें ब्रिंजिंग में तांबे तथा जस्ते की मिश्र धातु को उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका गलनांक बिंदु जो होता है वह 550 सेंटीग्रेड होता है। 550 सेंटीग्रेड होता है। किसका गलनांक होता है 550 सेंटीग्रेड? यह हमारा जो गलनांक है इसका ब्रिंजिंग का गलनांक होता है वह 550 सेंटीग्रेड से अधिक होता है, यानी कि उच्च तापमानों पर धातुओं को जोड़ने के लिए क्रिया को ब्रिंजिंग कहते हैं। अगर हम ब्रिंजिंग को उच्च ताप में इसको जोड़ा जाता है तब यहाँ पर क्या धातुओं में क्या होता है, जोड़न क्रिया अधिक होती है, तो हम इसको ब्रिंजिंग कहते हैं। अब ब्रिंजिंग जो होता है इसे हम सुहागा गालक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखते हैं कुछ जो है विद्युत रोधी पदार्थ भी होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ यानी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स। जब इस प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों पर बहुत ही कम होते हैं, अर्थात इसकी परमाणु संरचना पर गौर करें तो यह हमेशा इसके परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को अलग करना कठिन होता है, इसलिए इसका विद्युत धारा प्रवाहित का विरोध करता है, ऐसे पदार्थ की विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। अब इसमें जो विद्युत रोधी पदार्थ होता है यह जो है तीन पार्टों में विभाजित या निम्नलिखित पार्टों में विभाजित किया जाता है। जैसा फर्स्ट पार्ट हम सुन जान लेते हैं, फर्स्ट पार्ट जो होता है इसकी प्रतिरोधा जो प्रतिरोधक होता है वह क्या होता है, उच्च होता है, अधिक होता है, कितने से कितने बीच रहता है, 10 घाते 10 से
दस घाते 18 ओम से ले, दस घाते 18 होता है, अगर इसे उच्च ताप पर विद्युत करते हैं तब इसका जो है 10 घाते 18 cm हो जाता है, या किसमें होता है, यह हमारा ओम में होता है, ओम। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है, सेकंड इसमें प्रतिरोधक गुणांक प्रायः ऋणात्मक होता है, यानी कि हमेशा इसका निगेटिव होता है। ओके फ्रेंड, जो हमें विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं यह हमेशा इसमें निगेटिव रहता है। ठीक है, और इसमें थर्ड ऑप्शन होता है, अगर इसे गर्म करने पर इसका प्रतिरोधक क्या होता है, घटता है। ठीक है, इसका प्रतिरोधक घटता है, और इसका फोर्थ हो जाता है, इसकी विद्युतशीलता क्या होती है, सदैव इकाई से अधिक होती है, जो हमें विद्युत रोधी पदार्थ से कई गुना प्रयुक्त होती है। अब इसमें देख लेते हैं, इसके कई पार्ट होते हैं, जो हमारा विद्युत रोधक होता है, कुछ महत्वपूर्ण विद्युत रोधक पदार्थ, यानी कुछ इसके पदार्थ के कुछ महत्वपूर्ण विद्युत रोधक होते हैं, तब जो हमारा ये सब है, ये हमारा क्या है, इसका कुछ महत्वपूर्ण विद्युत रोधी पदार्थ हैं। ठीक है, ये सारे हैं, हम इसके बारे में आपको बताएंगे, और इस पार्ट सभी पार्टों को अच्छे से लिखते रहिए, जिसके कि बाद में देख सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अभ्रक यानी कि मिका, अभ्रक क्या होता है, इसे पार्ट हैं, कुछ पार्ट हैं जो कि उसके बारे में हम आप लोग बताएंगे। पहला जो है हमारा अभ्रक, अभ्रक मतलब मिका। ठीक, अभ्रक क्या होता है, यह एक अच्छा विद्युत रोधक पदार्थ होता है, यह इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में बहुत उपयोग किया जाता है, यह खनिज पदार्थ है जो कि सफ़ेद चमकदार लचीली परते के में पाई जाती है, जिसके अभ्रक के साधारणता स्त्री हुआ, जैसे विद्युत रोधी स्त्री हुआ, और प्रवर्धक घाटों के विद्युत विरोधन संधारित में परविद्युत माध्यम तथा अन्य विद्युत रोधक आदि कारणों के लिए प्रयोग होता है। अभ्रक जो होता है हमारा 1200 सेंटीग्रेड पर नरम लोहा होना शुरू हो जाता है, कितना 1200 सेंटीग्रेड, यह हमारा क्या नरम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जो है यह अभ्रक जो होता है यह 600 सेंटीग्रेड पर यह अपना ठोस व प्रतिरोधक गुण बनाए रखता है, जिससे कि 600 सेंटीग्रेड से ऊपर वाले तापमान पर इसका उपयोग इंसुलेटर की तरह नहीं किया जाता है, क्योंकि जो हमारा 600 सेंटीग्रेड पर ऊपर तापमान इंसुलेटर किया जाता है, यह चमकने वाला पदार्थ मिलाया जाता है, जिसमें से किसी प्रकार के पदार्थ को मार्कनाइट कहते हैं, यानी कोई पदार्थ हुआ उस पर हम मार्कनाइट कहेंगे, जो कि उच्च ताप सहन कर सकता है, पेपर व क्लॉथ पर माइका का चिपकाने वाला पदार्थ के मिश्रण को माइकानाइट पेपर या माइकानाइट क्लॉथ भी कहते हैं, यह गर्म माइकानाइट के किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, जिसके कि कुछ निम्न इसके गुण रहते हैं, जो अभ्रक होते हैं इसको कुछ निम्न गुण पाए जाते हैं, जो कि फर्स्ट देखा जाता है, इसकी विद्युतशीलता उच्च होती है, उच्च मतलब जो हमारी विद्युतशीलता होती है 3 से 8 तक इसकी उच्च विद्युत रोधक क्षमता रहती है, जिसमें से वह इसकी विद्युत रोधकता बनी रहती है, और इसमें कुछ जो है कि सेकंड जो होता है क्या पाए, सेकंड यह हमारा ताप की सुचालक और उच्च ताप पर सह सकता है, जो हमारा अभ्रक होता है, और सेकंड थर्ड इसमें क्या एग्जांपल बने, थर्ड होता है यह नमी प्रतिरोधी होती है, और इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च 20 सेंटीग्रेड पर किया जाता है, कितना 20 सेंटीग्रेड पर किया जाता है, जो कि इसे हम 10 घाते 13 ओम भी बोलेंगे,
दस घाते 13 ओम बोलेंगे। ये किसमें आएगा? ये अभ्रक पार्ट हुआ। ठीक है फ्रेंड, अब हम पढ़ते हैं इसके आगे रबड़। सेकंड हमारा है रबड़। सेकंड जो पार्ट है वो रबड़ है। ठीक, अब रबड़, रबड़ की डिफिनेशन बताए, रबड़ क्या होता है? जो रबड़ होता है वह प्राकृतिक रबड़ नर्म या उष्म जलवायु में उगने वाला पेड़ के रेशे से प्राप्त होता है। किससे? पेड़ के रेशे से हमें रबड़ प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड, एक्चुअली में देखा होगा रबड़ जो होता है यह हमारा नर्म एवं उष्म जलवायु में उगने वाला पेड़ों के रसों से प्राप्त किया जाता है। यह नरम होता है और इसका समय के साथ गुजरने पर ऑक्सीकरण के कारण भुग्गू हो जाता है, जिसके प्रकाश का ताप तथा प्रवैगनी संवहन से भी यह प्रवाहित होता है, जिससे कि तापक को हम संरक्षण प्रभाव के कारण इसके अम्ल एवं क्षार दो विधियों में इसका उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ देखने का अलग पार्ट जो है हम रबड़ के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है फ्रेंड, तो देख लेते हैं इसमें बहुत अधिक प्रवाहित होती है जो रबड़ में होता है उसमें बहुत अधिक प्रवाहित होता है। इसमें पहले से रबड़ जो है जो हमारे रसों में पेड़ पौधे की जो रसें होती है उससे क्षारीय या आम्लीय दो पार्ट में अधिक प्रयोग किया जाता है या अधिक प्रवाहित की जाती है। अब इसका जो थर्ड पार्ट हमारा है सस्सी लस्ट रबड़, इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है। सस्सी लस्ट रबड़ वह होता है जो एसिटिलीन गैस से बनाया जाता है। इसमें निम्नलिखित कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि हमें यह बताता है कि अम्ल और क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा यह बताता है कि यह ताप तथा ऑक्सीकरण लव सह सकता है। यह ताप तथा लव जनित्र हो जाता है जिसमें से इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिससे हर समय या बीतने पर इसका प्लास्टिक गुण नहीं बदलता है, जो हमें ये आसानी से यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होता है। यांत्रिक जो हमारा मैकेनिकल जो पार्ट होता है यह हमारा उच्च होता है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा क्या है? वालित रबड़ क्या होता है? वालित रबड़ वह होता है जो प्रत्यवस्था तथा ताप का सहनशीलता आदि के गुणों में वृद्धि लाने के लिए इसे 5% से गंधक के साथ जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम की उपस्थिति में 1300 सेंटीग्रेड से 160 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। यह जो हमारा पार्ट है जो हमारा क्या कहता है 1300 सेंटीग्रेड से या हमें 160 सेंटीग्रेड तक हमें क्या देता है या गर्म कर देता है। ठीक है, या गर्म करने के लिए क्या होता है? इसमें 5% गंधक के साथ जिंक ऑक्साइड या मैग्नीशियम की उपस्थिति में या 1300 सेंटीग्रेड से 160 सेंटीग्रेड तक गर्म कर देता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें देखते हैं क्या होता है। अब इसमें जो रबड़ की नमी होती है उसका रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है। इसमें प्राय विद्युत केबल के विद्युत रोधन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे कि रबड़ की सापेक्ष विद्युतशीलता 2 से 3.5 यानी 2 से 3.5 जो हमारा यह बताता है कि प्रविद्युत सामर्थ्य 10 से 25 और प्रतिरोधकता 10 से 14 ओम सेमीमीटर होता है। यह जो होता है मेरा 10 से
25 सेंटीमीटर होता है और इसमें क्या किया जा सकता है, और यह बताता है प्रतिरोधकता इसे कितनी होती है। प्रतिरोधकता जो होती है हमारी वह होती है 10^13 ओम। 10^13 ओम इसकी क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है। अब देखते हैं जो अन्य सिस्टम हमारा है पीवीसी, पीवीसी पर पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पॉलीविनाइल पीवीसी होता क्या है, पीवीसी कहाँ उपयोग होता है, ठीक। पीवीसी देखा जाता है जो हमारा कोई घर और की वायरिंग वगैरह की, जो वहाँ भी पीवीसी की ज़रूरत पड़ती है। और देखते हैं जो हमारा पीवीसी होती है वह यह एक कृत्रिम रासायनिक पदार्थ होता है जो कि केवल इंसुलेशन में प्रयोग किया जाता है, और यह हमारा केबल के चालक पर ही एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है जिससे हमें या अन्य संरक्षक पदार्थों से बचाता है, जिससे यह अच्छा विद्युत रोधक गुण परिद्रव्य में पाए जाते हैं। इसलिए इसका उपयोग आजकल अधिक किया जाने लगा है, जिससे कि CTS इंसुलेशन पुराने जमाने में किया जाता था, जिससे अब आ गया PVC। अब यह बताता है कि इसकी आकार की विभिन्न रंगों में उपलब्ध किया जाता है, यह नमी को ग्रहण नहीं करता है और तेल के ग्रीस तथा तेजाब का इस पर असर कोई नहीं पड़ता है। जो हमारा तेल हो या ग्रीस हो, ऐसी जो केमिकल चीज़ें पदार्थ केमिकल चीज़ें पाई जाती है, इस पर अगर हम कुछ क्रियाशील करते हैं तब इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जो हमारा PVC होता है, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट जो है हमारा ट्रांसफोस्फोर पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब जो हमारा 6 स्टेप है, अब उसके बारे में आपको बताएंगे ये क्या होता है। जो हमारा ट्रापोडोयर होता है या ट्रापोडोयर यह होता है जो PVC की तरह कठोर मजबूत तथा बहुत अच्छा विद्युतरोधी पदार्थ होता है। इस पर वातावरण नहीं होता है, यह पर क्या वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, यह आसानी से यांत्रिक से क्षतिग्रस्त नहीं होता है। यह उन पर केबल का प्रयोग के लिए लाया जाता है जो हमें नमी वाले स्थान को रासायनिक प्लांट तथा आयल फैक्ट्रियों के काम में आती है। यह इंसुलेशन का पनडुब्बी केबल में प्रयोग होते हैं। पनडुब्बी केबल में जो हमारा समुद्र होता है उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। यह हमारे PVC की तरह प्रयोग की जाती है। इसमें भी कोई भी केमिकल या कोई भी आयल अगर हमें प्रयोग करते हैं तो इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। तो आइए नेक्स्ट हमारा जो 7th है वह है एबोनाइट। एबोनाइट के बारे में हम एबोनाइट जो हमें होता है यह बताता है कि जो रबड़ हमारा होता है और एक होता है गंधक को जो हमें साथ साथ 1:4 या 1:5 यह हमारा जो होता है यह अनुपात को मिलाकर लगभग कितने 150 सेंटीग्रेड बनाता है। अनुपात को मिलाकर हमारा 150 सेंटीग्रेड बना लेता है जिससे कि ताप पर काफ़ी समय तक गर्म रहता है। यह काफ़ी समय गर्म अगर रहेगा, इसमें गर्म करके हम क्या बना सकते हैं, एबोनाइट बना सकते हैं। यह हमारा जो है अगर हम इतने ताप पर गर्म कर देते हैं, यानी कि 150 सेंटीग्रेड पर इसे हम गर्म कर देते हैं, तब हमारा एबोनाइट बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ गुण भी पाए जाते हैं जो एबोनाइट होता है, वह कौन से गुण पाए जाते हैं। इसमें होता है अर्धग्राही नहीं होता है, या इसमें सापेक्ष विद्युतशीलता जो होता है इसमें विद्युतशीलता कितनी होती है 2 से 3 तक होती है, और इसे परावैद्युत सामर्थ्य 10 से 40 kV या 40 kV प्रति mm में किया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे किसी भी
बैटरी के आधान पत्र या टर्मिनल बॉक्स या पैनल बोर्ड इत्यादि के लिए किया जाता है एवोनाइट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो मेरा है वह है बैकेलाइट। बैकेलाइट के बारे में आपको बताना, अब इस पार्ट के तौर पर ना बैकेलाइट होता क्या है। बैकेलाइट उपयोग कहाँ होता है। बैकेलाइट यह एक संश्लिष्ट पदार्थ है जो कि फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनोलिन पदार्थ में के योग में बनाया जाता है, जिससे कि कुछ इसमें गुण पाए जाते हैं जो कि या किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, और इसमें नमी या तेल या ग्रीस का प्रभाव नहीं पड़ता है, और बैकेलाइट में क्या नहीं पड़ता है। बैकेलाइट में यह अच्छा विद्युतरोधी पदार्थ भी है, और इसकी प्रतिरोधकता 10^8 ओम सीएम है, 8 ओम सेंटीमीटर होता है। और बैकेलाइट का उपयोग हम इसका स्विच टर्मिनल बोर्ड लैंप होल्डर तथा उपयंत्र पैनल आदि में किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या एस्बेस्ट स्टेस, अब इसके बारे में आपको बताएंगे। यह हमारा सफ़ेद रेशेदार पदार्थ होता है जो कि अज्वलनशील होता है या ऊष्मा का रोधक होता है। इसमें रस्सी या टेप सीट या स्लेपे में बनाई जाती हैं जो कि हमें यह बताता है अज्वलनशील। इसका उपयोग विद्युत भट्टी या विद्युत इस्त्री या किसी केतली का विद्युत केतली परिपथ में वियोजन आर्क शील्ड आदि में ताप को रोकने में कार्य करता है। इसमें स्टेक जो होता है हमारा एस्बेस्टोस जो हमारा होता है यह हमारा विद्युत रोधक क्षमता को रोकने का सहयोग करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट हमारा है कांच यानी ग्लास। ग्लास एक्चुअली में उपयोग कहाँ होता है, ग्लास का होता है। ग्लास हमारा जो होता है वह एक पारदर्शी होता है जो हमें यह बताता है कि कोई पारदर्शी इंसुलेटर है जिसकी सहायता से हम किसी रासायनिक भापों का असर नहीं होता है। यह हमारा भंगुर होता है जिसमें से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। यह हमेशा उच्च ताप पर कार्य करता है जिसके उपयोग विद्युत लैंप में या ग्लास ब्लॉक या ट्यूब मरकरी आर्क में या रेक्टिफायर में तथा जिसमें से सिरोपाई लाइन बिछाई जाती है दूसरी लाइनों में भी इंसुलेटर में प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है आर्मेचर बाइंडिंग में ग्लास टेप या स्लीप इत्यादि में बनाए जाते हैं या जो बनाया जाता है वो हमारा कांच के अंदर इसका इंसुलेशन किया जाता है, तब उस तरह के समय या कई जगह प्रयोग में लाया जाता है इस ग्लास का। अब जो है हमारा नेक्स्ट है कागज। अब इसमें कुछ जो है विद्युत रोधक पदार्थ होते हैं, इसमें विद्युत रोधक पदार्थ में कुछ महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं। अब वह जो है 11 कागज क्या होता है, इसमें कागज का कार्य क्या होता है। जो विद्युत रोधक होता है यह जो कागज होता है इसमें आर्द्रता ग्राही होती है जिससे परंतु यह किसी भी सूखा इंसुलेशन तेल में वर्नियस या मोम से संशोधित किया जाता है जो कि हमारा यह अच्छा कुचालक पदार्थ बन जाता है जिसमें से रबड़ से जस्ता होता है। यह हमारा क्या करता है आयल को फील्ड पावर केबल के रबड़ से जगह प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, अब आप बताइए लेदर आयर्ड या फिल्म लेदर आयर्ड क्या होता है, बताइए। जो हमारा लेदर आयर्ड या फिल्म लेदर आयर्ड, अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो हमारा फिल्म लेदर आयर्ड होता है यह सूती रेशों के रासायनिक क्रियाओं द्वारा
किया जाता है। इसमें एक्चुअली में देखा जाता है कि मजबूत इंसुलेटिंग रंग की सीट के प्रयोग में किया जाता है और इसमें बहुत से गुण भी पाए जाते हैं जिसमें लेदर लेदर आयर्ड फिल्म में प्रयोग किया जाता है या कई जगह फिल्मों के प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रिसिटी में इजार कर देता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखते हैं इसमें बनाने के लिए हम किसी भी इस स्लेटी रंग की सीट के रूप में कागज़ लिया जाता है जिसमें से तेल या ग्रीस असर नहीं पड़ता। इसमें क्या होता है, इसमें तेल या ग्रीस का प्रयोग करते हैं, कोई असर नहीं पड़ता इस लेड आयर्ड में। ठीक फ्रेंड, तो अब नेक्स्ट जो हमारा होता है, नेक्स्ट बताइए पोर्सी एस्टर मिल्की फिल्म। अब इसका उपयोग कहाँ होता है आप लोग बताइए। सर्वप्रथम इसका उपयोग हम लिखते रहिए जैसे कि आपको प्रॉब्लम हो दोबारा देख सकें। अपोर्सी पोर्सी एस्टर फिल्म मिल्की फिल्म यह जो है विद्युत रोधक का एक पार्ट है, एक गुण है। ठीक है, अब यह क्या काम करता है, यह हमारा मिल्की गैस को किसी जानने के लिए सिंथेटिक उत्पादन के लिए विद्युत मशीनों के आर्मेचर से रिवर्सिंग करके दूसरे में प्रयोग कर देता है। यह इसकी साइज होती है 5.7 तक उपयोग होता है। कितना 5.7 तक प्रयोग होता है जिसमें से 10 मील से में प्रयोग किया जाता है। यह हमारा किलोग्राम रोल में उपलब्ध कराया जाता है, वह होता है मिल्की फिल्म। यह हमारा किलोग्राम में उपलब्ध किया जाता है। अब जो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट इसका पार्ट है विद्युत रोधक पार्ट का नेक्स्ट पार्ट हमारा है कॉटन व सिल्क। अब कॉटन व सिल्क क्या होता है अब उसके बारे में भी जानना है। जहाँ हमारा विद्युत रोधक होता है वहाँ हमारा कॉटन व सिल्क का भी प्रयोग होता है। अब सिल्क और कॉटन में क्या डिफरेंट है, जो हमारा कॉटन व सिल्क होता है या वर्नियस करने पर इसका अच्छा सुचालक पदार्थ बन जाता है जिससे यह उपयोग कम वोल्टेज में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसमें उपयंत्रों का वायर तथा इंसुलेशन के रूप में किसी मोटर की बैंडिंग के लिए क्रिया किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, और हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा पोर्सिलेन। पोर्सिलेन क्या होता है, एक्चुअली पोर्सिलेन जो हमारा होता है वह किसी विभिन्न विद्युत रोधक फ्यूज या लैंप होल्डर या क्लीट या किसी भी स्विचों को आधार पर हम इसे बनाए या उपयोग किया जाता है। इसमें जो है अग्नि या मिट्टी और इसमें जो है चीनी भी मिट्टी होती है। यह हमारा किसी क्वार्टज को मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है जो हमारा पोर्सिलेन होता है। और पोर्सिलेन का हमारा कुछ गुण भी रहता है, उसमें जो है कुछ पार्ट भी पाया जाता है। वह इसकी जैसे मान लीजिए इसकी ताप सहन की क्षमता उच्च होती है और इसमें संरचनाएँ कठोर होती हैं और इसकी जो नमी होती है वह हमारा प्रतिरोधक होता है और इसकी प्रविद्युत सामर्थ्य जो होता है 9 से 20 kV रहता है। 9 से 20 kV होता है। ठीक है, और सेकंड जो होता है इसका विद्युत रोधक पदार्थ के अगर हम इस पार्टों को इसका वर्गीकरण करते हैं तब किस तरीके से प्रयोग होता है पदार्थों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ठीक है,